दोस्तों, कोरोना वायरस का ये जो संक्रमण पूरे विश्व में फैला हुआ है और उससे सभी लोग भयभीत नजर आ रहे हैं, इस बीच आज 23 मार्च 2020 को मीडिया के माध्यम से और विशेष करके हमारे देश के जो न्यूज चैनल्स हैं उनके माध्यम से मैंने हंता वायरस को लेकर बहुत सारे वीडियोस देखे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये वायरस आज से नहीं, बहुत सालों से है और ये चूहों में देखा जाता है। हालांकि चूहों में ये बहुत ज्यादा प्रभावी तो नहीं हो पाता है, लेकिन दुनिया के कुछ भागों में इसके कुछ रूपों के मनुष्य में ट्रांसमिट होने को देखा गया है। ये देखा गया है कि चूहों के जो मल मूत्र हैं उनके द्वारा जब हमारे खाद्य सामग्री को जब प्रदूषित किया जाता है तो उनके लार के माध्यम से ये वायरस मनुष्य तक पहुंच जाता है। ये वायरस जब मनुष्य में पहुंचता है तो ये मनुष्य के पल्मोनरी सिस्टम यानी कि जो उसके फेफड़े हैं उनको प्रभावित करता है और उससे जो सिम्टम्स होते हैं वो उसमें खांसी आना, जुकाम, सर्दी आना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये समस्याएं आती हैं। कभी कभी कुछ जो गंभीर लक्षण होते हैं उसमें जो हमारे किडनी की जो सिस्टम है उसमें समस्याएं आने लगती हैं। ये सभी सिम्टम्स आने में 4 से 5 दिन या कभी कभी 2 हफ्ते या उससे ज्यादा का समय भी लग सकता है। खैर, ये तो वो बात हुई कि ये वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है चूहों से, जैसा कि देखा गया ट्रांसमिट होते समय, लेकिन ये सभी प्रजातियों से ट्रांसमिट नहीं होता है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज के परिपेक्ष में आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है कि इस वायरस का मनुष्य से मनुष्य में कोई ट्रांसमिट होने का प्रमाण है। तो सबसे खुशी की बात मानव जाति के लिए इस समय यही है कि इसका मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण नहीं होता है। अगर आप बचाव करें और चूहों से जितना अपने आप को दूर रखें, फिलहाल भारत में तो ऐसा कुछ नहीं है अभी, लेकिन फिर भी सावधानी ही बचाव है, तो चूहों से बचें और अफवाहों पर ध्यान न दें। बाकी इससे जुड़ी जो बातें हैं और जो प्रश्न है उसको मैंने विशेष करके हमारे भारत के लोगों के लिए हिंदी में तैयार करके रखे हैं, जो आपके प्रश्न हो सकते हैं और उसके उत्तर जो हम आगे आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और बिल्कुल पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मनुष्य से मनुष्य में कोई ट्रांसमिशन अभी तक नहीं देखा गया है। थैंक यू। तो आगे देखते हैं, और जो हमारा ये वीडियो अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी हम और आपको नई नई जानकारियां देते रहेंगे और कोरोना वायरस से संबंधित भी आगे एक अच्छा वीडियो बनाकर मैं आपको दूंगा। थैंक यू सो मच। We'll be right back.